गाइस कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ सब अच्छे होंगे। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ना यूट्यूब के कुछ ऐसे टिप्स एंड ट्रिक्स के बारे में, जो कि अगर आप करते हो अपने मोबाइल में तो सब कुछ चौंका दोगे। तो गाइस किस तरीके से करना है, क्या क्या हम आपको सीक्रेट टिप्स बताने वाले हैं। तो गाइस आज की इस वीडियो को आप एंड तक देखना। और यहाँ पे मैं बता दूँ गाइस, इंडिया में सबसे ज़्यादा यूट्यूब को यहाँ पर देखा जाता है। ऑल ओवर वर्ल्ड से एक दिन में 40 बिलियन वॉच टाइम मिलता है यूट्यूब को। तो गाइस दिन पर दिन यूट्यूब भी तरक्की कर रहा है, आपको जैसे पता है। तो यूट्यूब तरक्की कर, वो भी अपने कुछ ऐप में कुछ फीचर डाले, कुछ ऐप में कुछ सेटिंग देगा कुछ। तो गाइस वही सेटिंग मैं बताने वाला हूँ, किस किस फीचर के बारे में बताऊंगा। तो गाइस वीडियो को एंड तक देखना होगा, जिससे कि यहाँ पे आपको पूरा प्रोसेस पता चल सके। तो चलिए गए चलते हैं मोबाइल स्क्रीन पर और आपको एक एक पॉइंट बताते हैं। लेकिन गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले, अभी तक हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, जिससे कि आगे कोई भी ऐसी यूट्यूब से रिलेटेड या फिर कोई भी टिप्स एंड ट्रिक्स से रिलेटेड हमारी यूट्यूब चैनल वीडियो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो गाइस वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप मेरा नाम जान लो। मेरा नाम है समीर और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल ग्रोथ हेल्पर। तो गाइस वीडियो पसंद आने पर लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। चलिए चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आप वहाँ पूरा गाइस टिप्स नंबर वहाँ यहाँ वन आता है डार्क मोड। आप डार्क मोड को किस तरीके से अपने यूट्यूब एप्लीकेशन पर इनेबल कर सकते हो। तो गाइस आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, सिंपल से आपको अपने यूट्यूब चैनल पर आना है, यूट्यूब पर आने के बाद आपको सिंपल से यहाँ पर जो लोगो ऑप्शन है उस पर क्लिक करना है और राइट साइड में ऊपर में। उसके बाद फिर आपको सेटिंग पे आना है। सेटिंग पे आने के बाद आपको यहाँ सिंपल से स्टेप को कुछ फॉलो करना है, जनरल पे आना है। जनरल पे आने के बाद यहाँ पे आपको देख सकते हैं यहाँ पर डार्क थीम, इसको आपको सिंपल सा इनेबल कर देना है। इनेबल करने के साथ यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरह का इंटरफेस आ रहा है। और मैं आपको एक बात बता दूँ गाइस, ऐसी ट्रिक्स आगे भी एकदम अच्छी तगड़ी तगड़ी ट्रिक्स बताने वाला हूँ, तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलिए देख सकते हैं यहाँ पे कितना अच्छा लुक आ रहा है, कोई भी अगर देखिए तो वो अगर उसको नहीं पता है तो गाइस यहाँ दूसरा ट्रिक्स ये है, दूसरा सीक्रेट ट्रिक्स ये है कि आप कभी भी किसी का भी यूट्यूब मोबाइल लेते हो तो कभी यूट्यूब में कुछ वीडियो देख लेते हो, जिससे कि अगर आप नहीं चाहते कि वो वीडियो वो देखे कि वो उसको एकदम पता भी नहीं चले कि आप वो वीडियो देखे या फिर कुछ देखे, तो क्या आप किस तरीके से कर सकते हो। आपको सिंपल अगर उसके मोबाइल लेते हो तो आपको सिंपल से फिर दोबारा से इस यूट्यूब के एप्लीकेशन पर आना है। एप्लीकेशन पर आने के बाद फिर से आपको वही लोगों पर क्लिक करना है। लोगों पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर एक सेटिंग बताने वाला हूँ, जैसे कि आप देख सकते हो नीचे स्क्रॉल करोगे तो यहाँ पे लिखा हुआ टर्न टू इनग्यूटो, तो यहाँ पे देख सकते हो ये वाला, तो यहाँ पे आप देख सकते हो गाइस ये वाला जो मैंने बता रहा हूँ ये वाला, इसको आपको सिंपल से इनेबल कर देना है। जैसे आप इसको इनेबल करोगे तो आप यहाँ पे देख सकते हो एकदम कुछ यहाँ पे शो नहीं करेगा, सिंपल से देख सकते हो इस तरीके से। ओके गॉट इट पे आपको क्लिक करना है। आपको यहाँ पे देख सकते हो गाइस कुछ नहीं, यहाँ पे देख सकते हो जहाँ पे लोगो था वहाँ पे देख सकते हो किस तरह का इंटरफेस आ रहा है। और यहाँ पे एकदम जो भी आप अगर वीडियो देखे हुए तो वहाँ पे आपका फिर कोई शो नहीं करेगा कुछ, आपको सर्च बार में शो नहीं करेगा। आप सिंपल से यहाँ पे देख सकते हैं, फिर यहाँ से इसको अगर बैक कर दोगे तो यहाँ से आप नॉर्मल हो जाएगा। तो आपको सिंपल से इसको बैक कैसे करना, फिर से आपको वही लोगों को ऑप्शन क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद टर्न टू ऑफ एंड गीटो मोड देख सकते हो, उसको इनेबल करते साथ यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके का इंटरफेस यहाँ पे आ चुका है। वैसे ये था दूसरा टिप्स, चलिए अब चलते हैं हम लोग तीसरे टिप्स की ओर। गाइस यहाँ पे जो मैंने ट्रिक बताया ना आपको, अगर आप किसी को करना चाहते हो तो आपको जैसे कि आपको पता है कि आप किसी का अपना दोस्त का मोबाइल लेते हो तो आप उसको नहीं बताना चाहते कि मैं ये वीडियो देखा हूँ या फिर वो वीडियो कुछ भी देखा हूँ मैंने। आप नेट ज़्यादा उसका मतलब खत्म हो जाता है इंटरनेट, तो आप इसको नेट पैक ज़्यादा खत्म हो जाता है तो आप उसको ये नहीं बोल सकते हो कि मैंने इस वीडियो को देखा। आप सिंपल से उसको टर्न इनग्यूटो मोड को इनेबल कर देना, आप जो वीडियो देखना है देखना, उसके बाद फिर उसको ऑफ करके उसको दे देना, आप उसको पता ही नहीं चलेगा कि कोई वीडियो आपने देखा है। तो गाइस ये था दूसरा ट्रिक्स हो गया था, हम लोग चलते हैं तीसरे ट्रिक्स की ओर। तो गाइस यहाँ पे आप देख सकते हो तीसरा ट्रिक्स ये है कि जैसे कि आप कभी भी मोबाइल चलाते चलाते कभी सो जाते हो या फिर और टाइम आपको पता नहीं चलता कितना जल्दी फास्ट गुजर जाता है, लेकिन यहाँ पे आपको किस तरीके से पता चलेगा टाइम एकदम स्पीड में आपको जैसे कोई काम है तो आप इसे वही टाइम का ब्रेक लगा सकते हो यहाँ पर, और यहाँ पे से आप यहाँ पर सिंपल से यहाँ पर वो टाइम पर अपने काम वो कर सकते हो। लेकिन आपको यूट्यूब चलाते हो तो आपको यहाँ टाइम को पता नहीं चलता, तो आपको सिंपल से क्या करना है किस तरीके से रिमाइंडर लगाना, तो आपको सिंपल से फिर से लोगों को ऑप्शन पर क्लिक करना है। फिर से लोगों को ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको सिंपल से शेडिंग ओपन कर लेना, जैसे सबसे नीचे में सेकेंड नंबर में शेडिंग का ऑप्शन आ रहा है उस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको जो मेट्रिक बताना है उसको आपको सिंपल सा फॉलो करना है, तो आपको सिंपल सा जनरल के ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हो रिमाइंड मी टू टेक अ ब्रेक, तो फिर इसको ऑन करोगे तो यहाँ पर आपको टाइम पूछेगा आप कितने देर तक यहाँ पर यूट्यूब को चलाना चाहते हो। तो आप सिंपल से जितने भी 1 घंटा 2 घंटा 15 मिनट 20 मिनट जितना भी मिनट आप चलाना चाहते हो तो आपको सिंपल से सेट कर लेना है और कुछ नहीं करना है। सिंपल से आपको पता चल जाएगा हमको ये काम करना है, ब्रेक जैसे याद आएगा तो आपको याद आएगा कि मुझे ये काम करना है, मुझे जल्दी जाना है। तो ये सिंपल से इसको आप ये आपको इनेबल कर सकते हैं 10 मिनट 15 मिनट 1 घंटा 15 मिनट 2 घंटा 3 घंटा यहाँ पे आप लगा सकते हो। और यहाँ पे आप अगर आप सो भी जाते हो तो मान के चलो वीडियो कोई चल रहा है आप सो जाते हो, लेकिन फिर आपको अगर बाद में फिर अगर रिमाइंडर बजेगा तो अगर टाइम पर हो जाए तो रिमाइंडर बजेगा तो आपको अगर नींद अगर खुल गया तो फिर वहाँ पर अगर आप उठे तो यहाँ पे पता चल जाएगी आपका फिर MB भी बच जाएगा और इससे आपका टाइम भी बच जाएगा। तो देख सकते हो चौथा टिप्स ये था और
सॉरी गाइस, तीसरा टिक्स ये था और हम लोग चलते हैं चौथे टिक्स की ओर। चौथा टिप्स ये ना गाइस कि यहाँ पे आप किस तरीके से पता कर सकते हो कि आप कितने दिन तक कितने देर तक आप यहाँ पे यूट्यूब को टाइम दे रहे हो, या फिर कितने देर तक आप यूट्यूब को वॉच कर रहे हो, कितने देर तक आप यूट्यूब पर टाइम स्पेंड कर रहे हो। तो आपको सिंपल से क्या करना है, यूट्यूब एप्लीकेशन को यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आप सिंपल से यहाँ पे देख सकते हो गाइस, यहाँ पे आपको यूट्यूब एप्लीकेशन को ओपन करना। ओपन करने के बाद यहाँ पे सिंपल आपको सेटिंग पे क्लिक करना, ऊपर लोगों पे क्लिक करना। लोगों पे क्लिक करने के बाद आपको फिर यहाँ पे दिखाई देगा टाइम वॉचेड, टाइम वॉचेड का जो ऑप्शन है थर्ड नंबर पर, उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे सब पूरा यहाँ पे टोटल ऑल टोटल टाइम यहाँ दिखा देगा कि आप यहाँ पे कितना देर तक टीवी को वॉच कर रहे हो। यहाँ पे आप देख सकते हो 8 घंटे का दिन इतना मैंने वॉच किया था। अभी यहाँ पे 1.5 2 घंटा तक यूट्यूब को मैंने यूज़ किया था। उसके बाद यहाँ पे सैटरडे को देख सकते हो, संडे को देख सकते हो, मंडे को, ट्यूजडे को, वेडनेसडे को, अगर आप यहाँ पे देख सकते हो पूरा ऑल बस लास्ट 7 डेज में मैंने यहाँ पे कितना यूट्यूब को यहाँ पे वॉच किया है। तो यहाँ पे सिंपल से देख सकते हो 3 आवर 15 मिनट तक मैंने यहाँ पे लास्ट 7 डेज में 3 आवर में यहाँ पे मैंने वॉच किया है 3 आवर। तो गाइस यहाँ पे इस तरीके से आप भी पता कर सकते हो, और यहाँ पे आप देख सकते हो किस तरीके से आप रिमाइंडर ट्रिगर ब्रेक अगर इनेबल करके रखो इसको, तो इसको भी यहाँ से ऑफ कर सकते हो। ऑटो प्ले को यहाँ से इनेबल के तो ऑफ कर सकते हो। तो वैसे यहाँ पे देख सकते हो डिसेबल साउंड वाइब्रेशन, इसको भी आप सिंपल से यहाँ पे इनेबल कर सकते हो और डिसेबल कर सकते हो। यहाँ पे मैं बताने वाला था आपको टाइम एवरेज के बारे में। तो देख सकते हो 27 मिनट डेली डेली एवरेज मैं अपनी यूट्यूब को देता हूँ, मतलब आधा घंटा मिनिमम मैं यूट्यूब को डेली चलाता हूँ। वैसे इस तरीके से आप भी पता कर सकते हो कितने देर तक आप यूट्यूब को टाइम दे रहे हो, कितने देर तक यूट्यूब पर स्पेंड कर रहे हो वीडियो देख करके। तो वैसे चलिए आज की वीडियो वीडियो यहीं पे एंड करते हैं। आशा करता हूँ आज की इस वीडियो का पसंद आया, तो पसंद आया लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना। क्योंकि यहाँ पे मैंने कोई आलतू फालतू ट्रिक नहीं बताया, यहाँ पे जो मतलब जो आपके लिए बेहतर वही ट्रिक मैंने यहाँ बताया, कोई मैंने यहाँ पे आलतू फालतू ट्रिक नहीं बताया। तो वैसे पसंद आए लाइक सब्सक्राइब जरूर करना हमारे चैनल को। चलिए आज के लिए तब तक, टेक केयर, मिलते हैं कल की वीडियो में।